हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम टू माय चैनल सिक्योरिटी ज्ञान। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग सब सही है, सुरक्षित है। दोस्तों, पिछला वीडियो में जो मैंने वीडियो जारी किया था, पिछला वीडियो में मैं आपको सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में क्या क्या रजिस्टर मेंटेन किया जाता है सुरक्षा के लिए और बेटर सुरक्षा देने के लिए कि बेटर कंट्रोलिंग के लिए, तो उस रजिस्टर के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था। आज मैं आपको स्पेशली दो रजिस्टर के बारे में बताऊँगा। ये वन जो है की रजिस्टर एंड सेकेंड जो है दैट इज़ डिजिटल रजिस्टर, इसके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा आज। तो दोस्तों, बने रहिए, मेरा वीडियो पूरा देखिए आखिर तक, मतलब इसको देखने के बाद आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरा जो नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप उसको तुरंत देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से मतलब कंट्रोलिंग का जो एक मेन पार्ट, जो चाबी कंट्रोलिंग का जो है, उसको बहुत ही मतलब कहना इसका इम्पोर्टेंस है, ताकि चाबी मतलब हर एक किसी को नहीं होना चाहिए, हर एक के पास नहीं होना चाहिए। कोई अगर किसी के पास अनऑथराइज इसके पास चला गया तो मतलब कुछ भी मतलब लॉस हो सकता है, तो कुछ भी मतलब कहना सिक्योरिटी लैप्सेस हो सकता है। तो इसीलिए चाबी को सुरक्षित रखने के लिए एक चाबी बॉक्स बनाया जाता है। उस बॉक्स में पूरे जो चाबी है उसको डिस्प्ले किया जाता है और उसका नंबरिंग किया जाता है, और हर एक चाबी में भी टैग लगाया जाता है कौन सा नंबर चाबी है वो। तो दोस्तों, ये जो सिक्योरिटी बॉक्स है, उस बॉक्स में जब चाबी डाला जाता है, ओरिजिनल मतलब हर एक ताले का जो है दो चाबी होता है, उसमें एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट। तो ओरिजिनल जो है वो डिस्प्ले बोर्ड में मतलब जो मेन की बॉक्स है उसमें रखा जाता है, और जो डुप्लीकेट कीज़ है उसको पूरा मतलब जो है ना, और एक दूसरा बॉक्स में उसको रखा जाता है, और उसका जो चाबी है वो सिक्योरिटी ऑफिसर के पास होता है। तो मेन की बॉक्स में जो चाबी रहता है उसको नंबरिंग किया जाता है, चाबी का भी टैग लगाया जाता है कौन सा कितना नंबर चाबी है, और उसको बेटर कंट्रोलिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। उस रजिस्टर का नाम ही जो है चाबी रजिस्टर व की रजिस्टर। तो उस की रजिस्टर में जो पहला पन्ना होता है, उस पहले पन्ने में मतलब क्या ना, आप इंडेक्स सूचीपत्र मतलब जो बनाते हैं उसमें चाबी नंबर कौन सा है, किस रूम का है, उसमें मतलब लिखा जाता है, ताकि आपको मतलब चाबी नंबर से मतलब क्या ना परेशानी ना हो ढूंढने में। तो आप मतलब क्या ना उस सूची पत्र देख के ही पता चल जाएगा, ये 10 नंबर रूम का चाबी मतलब ये है, या 5 नंबर रूम का चाबी ये है। तो इसलिए जो है सूची पत्र बहुत ज़रूरी है, और जो ऑथोराइज व्यक्ति जो कि चाबी ड्रॉ कर सकता है उसी व्यक्ति को हम क्या है ना चाबी देते हैं, नहीं तो और किसी को नहीं देते हैं। तो ऐसे ऑथोराइज किसको करते हैं, जो मैनेजमेंट एक लेटर भेजते हैं सिक्योरिटी ऑफिस को, उस लेटर में मतलब उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए और उसमें उनका सिग्नेचर भी होना चाहिए, ताकि मतलब क्या ना जब वो चाबी लेने के लिए आते हैं तो उस रजिस्टर में मतलब उस सूचीपत्र के साथ साथ और रजिस्टर के अंदर मतलब क्या ना ये का जो डिटेल्स, उनका जो डिटेल्स है मतलब कौन व्यक्ति ले रहा है, कितने टाइम पे ले रहा है, उनका सिग्नेचर, टाइम लेने का टाइम, और जब मतलब डिपॉजिट करते हैं इशूइंग टाइम एंड डिपॉजिट टाइम, मतलब ये दोनों ही उसमें होता है, उस रजिस्टर में ही मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों, कोई भी अनऑथराइज पर्सन को चाबी नहीं देना चाहिए। जब भी कोई चाबी लेने के लिए आता है तो उनका जो ऑथोराइजेशन लेटर है उसको चेक करना चाहिए, और चाबी जब लेता है तब जो साइन करता है तो उस साइन से मतलब जिस ऑथोराइजेशन लेटर में उनका जो साइन है उस साइन को मतलब क्या ना मिलाना चाहिए, ताकि अगर मिल जाए तभी मतलब हम सोच मतलब जान लेते हैं कि नहीं सही व्यक्ति का मतलब सही व्यक्ति जो है इशू कर रहे हैं चाबी। तो दोस्तों, इसका जो चाबी बॉक्स में जो चाबी मतलब रखा जाता है, उसका जो मेन की बॉक्स उसका चाबी जो है सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पास ही रहता है, और जो ड्यूटी पे होता है वो वहाँ पे उनके पास ही होगा, तो उनके पास ही होता है। अगर कोई भी चाबी अगर गुम हो जाता है तो मतलब किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो कुछ भी नहीं तो एक नया ताला डाल दें, उसमें नहीं होता है दोस्तों। ये सिक्योरिटी का मामला है, इसमें क्या है मतलब कोई भी अगर कुछ मतलब लॉस या डैमेज या कुछ हो जाएगा देन अन्य मतलब सभी मतलब क्या है ना फंस जाएंगे। तो इसीलिए चाबी खो जाने के बाद तुरंत मतलब आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा सिक्योरिटी सुपरवाइजर को या तो सिक्योरिटी ऑफिसर को, और वो लोग जो डिसीजन देगा उसी हिसाब से मतलब क्या है आप कार्रवाई करेंगे। ओके दोस्तों, अभी मैं आपको विजिटर्स रजिस्टर में बारे में बात करूंगा। मैं जो पहले जो है पहले तो ये मतलब मालूम होना चाहिए कि विजिटर्स मतलब कितने प्रकार का है। विजिटर्स दो प्रकार का होता है, एक
प्री शेड्यूल विजिटर्स और दूसरा जो है अनशेड्यूल विजिटर्स। मतलब प्री शेड्यूल बोलने से मतलब जो भी विजिटर्स जो है हमें पहले से ही पता है कि वो आने वाला है, और दूसरा जो है अनशेड्यूल मतलब हमें मालूम नहीं है वो आ गया किसी से मिलने के लिए या कोई काम के लिए, कोई बिजनेस पर्पस हो, कोई मीटिंग के लिए हो। तो ये जो चीज़ है ये दो विजिटर्स टाइप है, तो इसको मतलब हमें पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए यूनिट के हिसाब से किस टाइप का विजिटर्स मतलब उसके अंदर आते हैं। तो दोस्तों अभी जो है विजिटर्स जो आते हैं तो उनको फिर एक विजिटर्स रजिस्टर मतलब उसके लिए रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए। तो उसके लिए एक रजिस्टर खोला जाता है, जैसे कोई भी आया विजिटर्स आया तो आप उसका पूरा डिटेल्स पता करने के बाद मतलब आपको कंफर्मेशन लेना है, उसके बाद उनको रजिस्टर में मतलब एंट्री करवाते हैं। तो रजिस्टर में क्या क्या होता है, पहले तो सीरियल नंबर है, डेट है, विजिटर्स का नाम है, उसके बाद जो है विजिटर्स का एड्रेस है, मोबाइल नंबर लिखना पड़ता है, देन उनको किस कंपनी से है या उनका एड्रेस क्या है और किस पर्पज़ से आया है और किसके साथ मिलना चाहते हैं, तो देन टाइम इन कितने समय मतलब किस समय पे वो अंदर जा रहा है, टाइम आउट मतलब जब वो आउट जाएंगे तो टाइम आउट देना है, और उनका जो सिग्नेचर है सिग्नेचर कॉलम होना चाहिए, और नेक्स्ट जो है कॉलम वो सिक्योरिटी सिग्नेचर होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो रजिस्टर है इस रजिस्टर मतलब बहुत ही ज़रूरी है सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि कोई भी अंदर जाए विदाउट रजिस्ट्रेशन मतलब अगर अंदर जाके कुछ मतलब अपराध करके निकल जाता है तो आप उसको ढूंढ नहीं सकते, आप उसको कुछ मतलब कहना सर्च नहीं कर सकते। तो इसके बारे में मतलब जो है विजिटर्स जो है एक ही विजिटर्स कोई भी जो भी हो, चाहे प्री शेड्यूल हो चाहे अनशेड्यूल हो, दोनों ही मतलब रजिस्ट्रीकरण करेंगे मतलब पंजीकरण करेंगे उसके बाद ही अंदर जाएंगे। और ये नहीं कि अंदर जाने के बाद ही मतलब विजिटर्स अंदर चला गया और रजिस्ट्रेशन कर पंजीकरण करके चला गया उसके मतलब सिक्योरिटी का काम खत्म हो गया, ये नहीं है। अंदर जाने के बाद भी मतलब उनको मॉनिटरिंग करना कि कितना बजे तो गया था और अभी तो क्या कर रहे हैं, इसको भी मतलब क्या है ना सिक्योरिटी को देखना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अगर अंदर जाके मतलब 10 मिनट का काम था, 15 मिनट का काम था, लेकिन जाने के बाद वहाँ जाके कम से कम 2 घंटा 3 घंटा हो गया, तो आप मतलब क्या ना रजिस्टर देख के पता कर सकते हैं कि व्यक्ति आउट गया कि नहीं गया। अगर नहीं गया तो उसके लिए मतलब आगे जो कार्रवाई है उसको करना चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए। तो दोस्तों ये मॉनिटरिंग जो है ये सिक्योरिटी कंट्रोल रूम का काम है। डिटेल्स में मतलब जो है विजिटर्स कौन विजिटर्स कितने बजे गया, कितने बजे फिर आउट गया, ये सारे जो डिटेल्स उस रजिस्टर में होना चाहिए। तो कोई भी अगर व्यक्ति आउट नहीं करके जाते हैं तो फिर मतलब उनके बारे में पता करना चाहिए कि ताकि वो अंदर है या कि चला गया मतलब आउट बिना आउट टाइम डाल के चला गया। तो इसका जो है डिटेल्स मतलब सिक्योरिटी कंट्रोल रूम को होना चाहिए। तो दोस्तों जो भी है सिक्योरिटी के लिहाज से दोनों ही मतलब चाबी रजिस्टर एंड विजिटर्स बुक ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मेंटेन जरूर कीजिए, मतलब इसको होना ही चाहिए ताकि मतलब सुरक्षा जो अंदर का सुरक्षा है, जो यूनिट का सुरक्षा है वो मतलब बिल्कुल ठीक ठाक रहे। तो दोस्तों विजिटर्स का जो है विजिटर्स जैसे कुछ विजिटर्स जो है हमें पता है कि ये डेली आते हैं, जैसे न्यूज़ वाला मतलब न्यूज़पेपर वाला या तो दूध वाला, तो कोई भी जो है जो डेली आते हैं जो प्री शेड्यूल है उनके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब अंदर जाते हैं तो उनको मॉनिटरिंग करना, उनके ऊपर निगरानी रखना, ये आपका मतलब कहना सिक्योरिटी का काम होता है। और जो अनजान व्यक्ति है वो भी मतलब कहना जब अंदर जाता है तो उनके लिए तो पहले बिल्कुल उनका आइडेंटिफाई कीजिए, उनका पहचान पत्र देखिए। मैं इस आइडेंटिफिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उसके बारे में एक मैं बाद में वीडियो आपको जारी करूँगा, ताकि कैसे मतलब आप आइडेंटिफाई करेंगे उनको और आई कार्ड में आप क्या क्या चेक करेंगे इसके ऊपर जानकारी मैं दूंगा। तो दोस्तों ये जो दोनों रजिस्टर विजिटर्स रजिस्टर एंड की रजिस्टर, इसको जो है मेंटेन करना वो भी ज़रूरी है सुरक्षा के लिहाज से। तो मतलब सुरक्षित रखने के लिए यूनिट को इसको इस दो रजिस्टर का जो है अहम भूमिका है, तो इसको जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।